जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हल्ला बोल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थी इस समय बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेना रैली भर्ती में, हर सेना रैली भर्ती में बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट अलग अलग गांव अलग अलग जिलों के यहाँ पर भर्ती हो पाते हैं, लेकिन 6 महीने से लगातार सेना रैली भर्ती बंद पड़ी है। ऐसे में सभी युवा जो सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे, कई सालों से सेना रैली भर्ती में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे, वो सब यहाँ पर बेरोजगार हो चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, हाल ही में #SSC CGL रिजल्ट और रेलवे को लेकर यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा, बेरोजगार युवाओं के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है। दोस्तों इस मुहिम पर एक इंडियन आर्मी रैली भर्ती को लेकर भी एक ट्वीट जारी किया जाना चाहिए, ताकि इंडियन आर्मी और टी आर्मी की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ सके, मतलब आपकी सेना रैली भर्ती शुरू करवा दी जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सेना रैली भर्ती नहीं होने के कारण डायरेक्ट सेना रैली भर्ती से बाहर हो जाएंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि लंबे समय से 2 से 3 या 5 साल से वो तैयारी कर रहे इंडियन आर्मी में भर्ती होने की, और यहाँ पर लगातार 6 महीने से रैली भर्ती नहीं होने के कारण उनको डायरेक्ट भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार को यह बड़ा निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए, सेना रैली भर्ती शुरू करवानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेना में लाखों पदों की कमी चल रही है। लगातार 6 महीने से एक भी सेना रैली भर्ती नहीं हो पाई है। ऐसे में सभी राज्यों के लिए एक ही बुरी खबर आप इसे मान सकते हो, क्योंकि सेना रैली भर्ती हर साल एक जिले की सेना रैली भर्ती सेना की तरफ से करवाई जा रही है, लेकिन 6 महीने से लगातार सेना रैली भर्ती हो रही है। वही बात करें तो 2020 की टीए आर्मी की एक भी रैली भर्ती नहीं आ पाई है, तो वो भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो टीए आर्मी की तैयारी करते हैं, वो भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण बेरोजगार बैठे। तो इन सब को देखते हुए सरकार को ये बड़ा कदम उठाना ही होगा। दोस्तों इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप जरूर कीजिएगा, ताकि सरकार तक ये इंडियन आर्मी और टीए आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली की लेकर बड़ी अपडेट है, जो अपडेट है वो यहाँ पर केंद्र सरकार और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों सभी बेरोजगारों की मन की बात एक ही है कि जल्द से जल्द उनकी सेना रैली भर्ती करवाई जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के बाद में अब सेना रैली भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के मन की बात भी एक बार सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर घर से पैसे लेकर कहीं बार तैयारी की जा रही है, और यहाँ पर 1 साल उनका यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जो 6 महीने की भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण ओवरेज हो जाएंगे। क्या उन युवाओं के लिए सरकार कुछ अलग से आयु में छूट दे पाएगी, या उनको डायरेक्ट ही यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा? दोस्तों इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सभी युवाओं तक इस बात को लेकर अपडेट पहुंचे, ताकि सभी युवा ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें #IndianArmyRally। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ताकि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय तक ये बड़ी अपडेट, एक मुहिम है, ये पहुंचाई जा सके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी कुछ आपकी इंडियन आर्मी रैली भर्ती और टीए आर्मी रैली भर्ती को लेकर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कितने लोग ज्यादा शेयर करते हैं इस वीडियो को, कहां तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर भी एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।